बेंटन क्लासिक एपिसोड 2। अब एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में ही हमें देखने को मिलता है कि एक बिल्डिंग में आग लगी होती है और उसमें एक बच्चा और उसकी मदर फंसी होती हैं। फिर हमें देखने को मिलता है कि बेन हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म होके आता है और वह उस बच्चे को और उसकी मम्मी को बचा लेता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि ग्रैंपा मैक्स अपना वैन लेके आते हैं, बेन उसमें बैठता है और बेन जो है उन दो चोरों का पीछा करता है। दो चोर होते हैं जो कि चोरी करके भाग रहे होते हैं, तो हीट ब्लास्ट क्या करता है उन दो चोरों को पकड़ लेता है और एक वॉल के पीछे खड़ा कर देता है। उसके बाद वहां पर पुलिस आती है, पुलिस उन दो चोरों को अरेस्ट करता है। उसके बाद हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है डॉक्टर एनिमो का, जहाँ पर डॉक्टर एनिमो के जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो आते हैं और डॉक्टर एनिमो से बहुत कुछ पूछते हैं, जैसे कि तुम क्या बना रहे हो या फिर क्या कर रहे हो। तो वहाँ पर जो डॉक्टर एनिमो है वो बताता है कि मैंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जो कि किसी भी मुर्दे को जिंदा भी कर सकता है, उसका जो हाइट है वो बढ़ा भी सकता है। और उसका एक नमूना हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर एनिमो है वो एक बहुत छोटे से फ्रॉग को बहुत बड़ा बना देता है और वो जो छोटा फ्रॉग है वो अटैक कर देता है उस लैंडलॉर्ड के ऊपर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर एनिमो है वह एक ट्रॉफी के पीछे पागल हो गया था, उसको एक ट्रॉफी चाहिए था। उसके बाद हमें डायरेक्ट दिखाया जाता है कि बेन ग्वेन एंड जो ग्रैंपा मैक्स है वो लोग शॉपिंग मॉल में जाते हैं कुछ शॉपिंग करने। वहां पर बेन देखता है सुमो स्लैमर्स के कार्ड दिखते हैं, तो बेन ग्रे मैटर में ट्रांसफॉर्म होके वो वहां पर सारे के सारे कार्ड्स को ढूंढ रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिला कि जो डॉक्टर एनिमो है वो आते हैं क्योंकि डॉक्टर एनिमो को कुछ कुछ डिवाइसेस और कुछ कुछ सामान चाहिए था, जिस वजह से वहां पर डॉक्टर एनिमो आता है और वह उस मॉल के ऊपर अटैक कर देता है। वह एक फ्रॉक की मदद से वहां पर आता है। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बेन है उसका जो ओमनीट्रिक्स है वह चार्ज नहीं हुआ होता है, मतलब कि ओमनीट्रिक्स का चार्ज खत्म हो चुका था। पर हमें देखने को मिला कि जो डॉक्टर एनिमो है वह कुछ सामान को चोरी कर लेता है। वहां पर हमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी देखने को मिला। उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर एनिमो है वह कुछ छोटे चूहे को बहुत बड़ा बना देते हैं अपने डिवाइस की मदद से। और वहां पर हमें थोड़ा सा फाइट देखने को मिला, ग्रैंपा मैक्स ग्वेन बेन जो है वो फाइट कर रहे थे उन बड़े बड़े चूहों से। उसके बाद हमें देखने को मिला कि जो बेन है वह एक चूहे को आराम से ढेर कर देता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर एनिमो है वह एक बर्ड को फिर बड़ा कर देते हैं और वह उड़ के चले जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि उस मॉल के मालिक आते हैं और वो बेन को थैंक यू बोलते हैं और बेन को बोलते हैं कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो ग्रैंपा मैक्स है वो बेन को बोलते हैं कि चलो अब हमें जाना चाहिए। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रस बकेट से जा रहे होते हैं ग्रैंपा मैक्स ग्वेन एंड बेन। वहां पर जो ग्वेन है वो लैपटॉप में देखती हैं और वो बताती हैं कि जो डॉक्टर एनिमो है वो एक पागल साइंटिस्ट है, वो बहुत अलग अलग तरह के रिसर्च करता है क्योंकि वो बहुत अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसके बाद बेन वहां पर बोलता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर एनिमो जो है वो म्यूजियम गया होगा। और हमें म्यूजियम का फिर सीन दिखाया जाता है जहां पर डॉक्टर एनिमो कुछ कर रहा था। पीछे से हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंपा मैक्स ग्वेन एंड बेन वो भी आ जाते हैं म्यूजियम में और वहाँ डॉक्टर एनिमो बोलते हैं कि तुम लोग नहीं मानोगे। और डॉक्टर एनिमो क्या करता है, एक ओल्ड एलिफेंट को जिंदा कर देता है। वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो बेन है वो वहाँ पर फाइट के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद बेन जो है वो फोरआर्म्स में ट्रांसफॉर्म होता है और हमें फाइट देखने को मिलता है फोरआर्म्स एंड उस बड़े वाले हाथी के साथ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर एनिमो है वह एक बहुत बड़े डायनासोर को भी जिंदा कर देते हैं। दूसरी तरफ वो जो बर्ड थी जिसमें डॉक्टर एनिमो आया था वह बर्ड जो है वह ग्वेन को उठा के ले जाता है। फिर जो फोरआर्म्स है वह ग्वेन को बचाने के लिए जाता है पर वह नहीं बचा पाता है। देन हमें देखने को मिलता है कि जो बेन है वह स्टिंग फ्लाई में ट्रांसफॉर्म होता है और वह ग्वेन को बचा लेता है किसी तरह। उसके बाद हमें स्टिंग फ्लाई एंड उस बर्ड के बीच थोड़ा सा फाइट देखने को मिला। दूसरी तरफ जो डॉक्टर एनिमो है वह डायनासोर में बैठ के आता है जहां पर वह जो अवार्ड फंक्शन था वह चल रहा होता है। वहां पर बेन भी आता है स्टिंग फ्लाई बन के और वह अटैक करता है डॉक्टर एनिमो के डायनासोर के ऊपर। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर एनिमो थे वो भी अटैक करते हैं बेन के ऊपर और वहां पर बेन क्या करता है वह डॉक्टर एनिमो का वह डिवाइस छीन लेता है। और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर एनिमो थे उसने जो जो एलियन का जिंदा किया था वह एलियन फिर से पहले जैसा हो जाता है, वह बर्ड भी पहले जैसा छोटा हो जाता है। और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि डॉक्टर एनिमो को बहुत सारे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर लेते हैं और वहां पर डॉक्टर एनिमो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो बेन की तरफ बहुत ही गुस्से से देखता है।
उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि जो ग्रैंपा मैक्स, ग्वेन एंड बेन रस बकेट में होते हैं और वहां पर बेन जो है वह उस मशीन को छीन लेता है जो कि डॉक्टर एनिमो ने बनाया था और उसको बहुत ही अच्छे से संभाल के रख देता है और वहीं पर हो जाती है बेन 10 क्लासिक एपिसोड 2 की एंडिंग। अब इस एपिसोड से हमें क्या क्या पता चला, बेन के हमें कुछ न्यू एलियंस देखने को मिला लाइक फोर आर्म्स स्टिंग फ्लाई। इसके अलावा हमें एक पागल साइंटिस्ट को दिखाया गया जो कि डॉक्टर एनिमो था और डॉक्टर एनिमो फिर से आएगा एपिसोड में, ऐसा हमें थोड़ा सा हिंट मिला जब डॉक्टर एनिमो बहुत ही गुस्से से देख रहा था बेन को। बहुत छोटे छोटे चीज़ें यहाँ से हमें पता चली। तो बहुत जल्द मैं मिलूंगा आपको एपिसोड 3 के साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना।